हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के चार दिवसीय अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 4 का आगाज हमीरपुर के गौतम महाविद्यालय में हो गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चार दिवसीय यूथ फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश के लगभग 50 महाविद्यालय के 800 छात्र भाग ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल के शुभारम्भ अवसर पर छात्रों द्वारा नशा निवारण पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी खूब सराहा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के चार दिवसीय अंतर महाविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 4 का आगाज गौतम महाविद्यालय में हो गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चार दिवसीय यूथ फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश के लगभग 50 महाविद्यालयों के 800 छात्र भाग ले रहे हैं, जिसमें छात्रों द्वारा एकांकी प्रहसन मूक अभिनय व स्वांग मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। यूथ फेस्टिवल के शुभारंभ अवसर पर छात्र द्वारा नशा निवारण पर नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी खूब सराहा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है और जो कड़ी मेहनत करता है वही सफल होता है। उन्होंने बच्चों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गैर सरकारी व सरकारी कॉलेजों में हो रही गतिविधियों की तुलना की जा रही है और अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए मेहनत जरूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों ने अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, जो कि गर्व की बात है। हर बड़े शहर में प्राइवेट कॉलेज भी चल रहे हैं, कॉमन कॉलेज भी चल रहे हैं। दोनों के रिजल्ट्स की तुलना कर लीजिए, दोनों की एक्टिविटीज की तुलना कर लीजिए और अब सर्वाइवल के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का जमाना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मेहनत करेगा वो बचेगा। और आज का युग, जैसे मैंने कहा, प्रतिस्पर्धा का युग है। यहाँ पे हम लॉ कर रहे थे, हाई कोर्ट के जस्टिस एड्रेस करने के लिए आए, उन्होंने कहा व्हेन यू विल गो टू द बार यू विल फाइंड इट इज ओवर क्राउडेड, बट इट वॉज ओवर क्राउडेड व्हेन आई जॉइन द बार इन 1928। 1928 में वो वकील बने थे, कहा तब भी वहां बड़ी भीड़ थी, बट दो वर्क हार्ड दे गो टू द टॉप। जो मेहनत करते हैं वो सबसे ऊपर पहुंचते हैं। मशहूर ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन भी है, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। आज के युग का संदेश यही है। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।